चीज के बारे में मुझे आज बात करनी है। इफ यू आर अ गर्ल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, नथिंग न्यू। इफ यू आर अ बॉय, स्टिल नथिंग न्यू, बट समथिंग यू शुड बी लुकिंग एट एंड समथिंग वी शुड ऑल रिकॉल एट टाइम्स। एंड इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। व्हाई डू वी मेन स्टेयर एट वेमेन? हम लड़के हमेशा लड़कियों को घूरते क्यों हैं? जैसा कि मैंने कहा, यह कोई बहुत सीक्रेट बात तो है नहीं। आई रिमेम्बर 11th क्लास की बात है, नया नया वाईफाई जब घर में आया था एंड आई डिस्कवर्ड कोरा एंड आई केम अक्रॉस दिस क्वेश्चन जहाँ पे देयर वाज दिस गर्ल, आई थिंक सम रशियन और फ्रेंच गर्ल हु विजिटेड इंडिया और उसने अपना पूरा अकाउंट दिया था अपने ट्रैवल का। और जो उसने इकलौता कौन लिखा था वो ये था दैट पीपल स्टेयर अ लॉट, दे स्टेयर अ लॉट इन इंडिया एंड शी वॉज लाइक, इस वजह से वो बहुत अनकम्फर्टेबल थी थ्रू आउट हर स्टे। 11th क्लास तक मैं घर से कभी इतना निकला नहीं था, बस वही मेरी जिंदगी थी, स्कूल ट्यूशन ट्यूशन स्कूल। कट टू द टाइम जब मैं घर से बाहर निकलना मैंने शुरू करा, मेट्रो में देखा, बस में देखा, बहुत जगह देखा कि पीपल डू स्टेयर, लाइक इट्स अ कॉमन साइट। क्या मेट्रो में बैठे हो और एक लड़की अगर पार होगी तो आप उसके पीछे देखना कि वहाँ पे सब लड़के, मोस्ट ऑफ द बॉयज, उन सबकी नजरें हो जाएगी एक बार। मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ आता कि ऐसे हम क्यों करते हैं। फीमेल फ्रेंड्स ऑफ माइंड इंक्लूडिंग माई सिस्टर, दे ऑल से द सेम थिंग। उन सबको यही कंप्लेन है कि लड़के घूरते क्यों हैं। अब कईयों ने ये तरीका अपनाया है कि कोई घूरे तो तुम उसको घूर के फिर से देखो ताकि वो शर्मिंदा हो जाए और नीचे देखे। पर जैसे ऑल आउट में नहीं होता है, जब मच्छर कम हो तो नॉर्मल मोड, ज्यादा हो तो एक्टिव मोड, बट वो मच्छर भी ना एक्टिव मोड में भी अब यूज टू हो गए, दे आर इम्यून टू दैट एक्सट्रीम थिंग एज वेल, तो अब वो उसमें भी नहीं मरते। सिमिलरली वी हैव कम टू अ पॉइंट जहां पे घूर के वापस देखना काम नहीं कर रहा है, वो एक्टिव मोड नहीं काम कर रहा है। एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन टोल्ड बाय द गर्ल्स आई नो। मुझे बहुत अजीब लगता है ये सोच के। फर्स्ट ऑफ ऑल इन माय अंडरस्टैंडिंग आई फील लाइक हम लड़के, वी जस्ट डोंट नो हाउ टू टॉक टू द ऑपोजिट जेंडर, हाउ टू बी नॉर्मल विद देम। हम क्यों समझते हैं कि वो कुछ अलग टाइप के लोग हैं जस्ट बिकॉज दे हैव एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ फ्लैश हैंगिंग ऑन द चेस्ट, doesn't make them any different. I mean, उनका दिमाग वही है, they are human beings, if you think of it in a civilizational perspective. उनको खाना चाहिए, उनको डकार आती है, उनको भी, उनका भी पेट खराब होता है, टट्टी जाना होता है उनको, तो हम क्यों उनको इतना कुछ अलग दुनिया के लोग समझते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे लिए नॉर्मल नहीं है लड़कियों से बात करना। समटाइम्स वी फील लाइक कि अगर किसी लड़की को हमें इंप्रेस करना है तो somehow creepy बन जाओ तो वो इंप्रेस हो जाती है, that's the Bollywood version of it. पेट्रियट एक्ट में हसन मिनाज की एक लाइन है विच आई नेवर फॉरगेट, एक सीन एनैक्ट करता है कि एक फ्रॉग है, उससे बात कर रही है एक लड़की, वो लड़की कह रही है कि तुम इंडियन हो क्या, एंड द फ्रॉग इज लाइक क्यों, एंड द गर्ल इज लाइक बिकॉज यू आर स्टेयरिंग एट मी कॉन्स्टेंटली। आस्क योर सिस्टर, आस्क एनी गर्ल अराउंड यू, योर मदर, एंड दे फील लाइक हाँ ये तो नॉर्मल है। देर मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ जस्ट लाइक पीरियड्स दैट वी फील कि ये पता नहीं हम इतना सोचते नहीं इसके बारे में, बट तुम जब लड़कियों से बात करना शुरू करोगे You'll realize कि they actually grow up with this. The problem is कोई IPC में कोई लॉ नहीं है इसके रिगार्डिंग। आप हरासमेंट बोल सकते हो बट वो इतना वेग डेफिनेशन है that how do you do it? और आप कितने हरासमेंट के केस कराओगे? अगर genuinely हर लड़कियाँ FIR करने पे आ गई तो उनकी तो पूरी जिंदगी पुलिस स्टेशन में चली जाएगी, कितने FIR करेंगे कोई रोज के? सॉफ्ट हरासमेंट है ये। इसका सोल्यूशन शायद ये है कि हम और आप जैसे जो लोग हैं हमें बदलना पड़ेगा खुद को। There are things that exist in a society like peeing in public. सड़क पे सुसु कर देते हैं हम लोग। अब इसके खिलाफ कितना मर्जी कानून बना लो, we have to be aware about it and we have to realize कि ये कितना गलत है। This is the reason why हम आप जैसे लड़के ही अपनी बहनों को बाहर भेजने में डरते हैं। We feel like नहीं, बस से नहीं जाना है, फ्लाइट से चली जा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग होंगे, घूरेंगे। Ultimately we boys are only the part of this whole thing, no? And ये तो सिर्फ एक aspect है एक लड़की के life के। There enormous aspect which needs to be covered and this was just a segment, a fragment of it. So yeah, this is what I want to share in this video. It's high time, 21st century and 2021, कि हम इन चीजों को थोड़ा recognize करके इनको खत्म करें। And it will only happen if we truly realize the importance of it. सिर्फ इसको समझ के बुरा ना feel करें, बल्कि actually समझे कि जब कोई आपको घूरेगा तो कैसा लगेगा।